मेष राशि जिसके लिए आम का पौधा उपयोगी है, जिसमें कि बात रोग कम होता है, बात रोग का नाश होता है और ये शत्रु नाश को भी करता है। इसका राशि स्वामी है जो अपने मंगल है। इसके बाद आती है वृषभ राशि जिसमें कि अशोक का पौधा और गुलर का पौधा लगा सकते हैं जो कि त्रिदोष नाशक होता है और इसके साथ जो पूर्व दोष जन्म के दोषों का भी नाश करता है। इसके बाद आता है मिथुन। मिथुन में बांस का प्रयोग किया जाता है, बांस और बट, ये भी त्रिदोष नाशक होता है और इसमें शत्रु भय का विनाश होता है। और इसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि में आमले का उपयोग होता है जो कि कफ रोग को नाश करता है और यह मानसिक शांति के लिए भी बहुत उपयोगी है। सिंह राशि जो कि जामुन का पौधा लगाया जाता है जो कि पित्त रोग में सहायक रहता है और यह बौद्धिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। कन्या जिसमें कि अमरूद यह एक फलदायक पौधा भी है, यह पौष्टिक भी है, इसके साथ यह पित्त रोग का नाश करता है। कन्या का पौधा बेल लगाते हैं, बेल के पौधे से बात रोग खत्म होता है। तुला के पौधे में मलसरी का उपयोग करते हैं जो कि पूर्व जन्म के दोषों का भी नाशक होता है। उसके बाद वृश्चिक जिसमें कि खैर का पौधा लगाते हैं, यह बात रोग के लिए भी नाशक है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करता है। उसके बाद धनु। धनु के पौधे में गुग्गल का उपयोग किया जाता है और कदम का उपयोग, जो बहुत ही बहुत उपयोगी पौधा है और इसका यह ज्ञान में वृद्धि करता है। इसके बाद आता है मकर। मकर का पौधे में कटल का उपयोग किया जाता है जो कि त्रिदोष नाशक होता है और यह धन सुख और समृद्धि में भी सहायक होता है। इसके बाद कुंभ। कुंभ राशि कफ रोग को नाश करता है और शनि इसके ग्रह स्वामी है और धन सुख वैभव में भी यह वृद्धि करता है। इसका लाभ लास्ट पौधा मीन। मीन का पौधा नीम होता है, ये औषधि प्लांट है, औषधि के साथ ही यह कफ रोग को भी नाश करता है और ज्ञान में वृद्धि देता है। ये 12 राशियों के कुल पौधे हुए जिनके, और इसके साथ ही ये ऑक्सीजन प्रवाह में भी बहुत सहायक होते हैं जो कि 22 घंटे तक ऑक्सीजन देते हैं।